अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदी। दोस्तों आई होप सो टुडे आर एंजॉयिंग योर डे। आज दोस्तों हम आपसे गंदम के अहम प्रॉब्लम आ रही है उसके मुताबिक आज की इन्फॉर्मेशन में दैट व्हाट इज़ द मेन एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल मिटिग ऑल्सो आर टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं ये चमकीली सी आपको चमक सी आपको नज़र आएगी, मैं आपको पॉसिबली तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त गंदम के खेत के अंदर पिलाहट माइल कुछ इनटू येलोइश कलर। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम है आज की इस वीडियो के, कुछ दोस्तों के खेतों के अंदर क्रॉप के जो है प्लांट्स के अंदर कि उनके जो है येलोइश इसके ऊपर, एंड इफ़ आई विल टेक एन क्लोज आई व्यू एंड आई विल आल्सो ट्राई टू एलैबोरेट दीज येलोइश लीफ इन फ्रंट ऑफ यू बाय कैप्चरिंग यू विल प्रॉब्लम। अगर आप देख सकते हैं मैं इस वक्त थोड़ा सा अगर इसको जूम करूं आपके सामने रखूं तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो इस वक्त हो। दोस्तों तो मेन आज का ये है कि ये जो येलो ये क्यों पैदा, आइदर इट इज अ रिलेटेड टू इरिगेशन और इट इज रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड और इट इज़ अ जेनेटिकल प्रॉब्लम और मेट्रोलॉजिकल इशू। सो प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स दैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू येलोइश एंड आफ्टर दिस येलोइश कलर मोस्ट ऑफ द लीव्स विल टर्न इनटू ग्रीन अगेन बट सम आर अ फ्यू लीव्स दैट आर ओल्डर आर इन मोर स्ट्रेस दे विल नाउ दे विल नॉट इन इन रिवर्स। ये जो पलाहट पैदा होती जा कुछ पौधे जो है वो दोबारा ग्रीन हो जाएंगे बट मोस्ट ऑफ द लीव्स दे आर रिकवरेबल, ओनली फ्यू पौधे ऐसे हैं ये पीले होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, मुख्य के सबसे पहले जमीन की वजह से है या मखसूस वैरायटी या जीनोटाइप्स की वजह से है या कोई मेट्रोलॉजिकल इशू है नमी में अप डाउन्स आए हैं उसकी वजह से है। तो सबसे पहली बात यस यूरिया की वजह से भी हो सकती है। दोस्तों यूरिया की थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है दैट विल बी जा रही है, एक्चुअली दैट इज ओनली ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड। यहां पर मैं देख रहा था इसी सल्फो सल्फ्यूरान वाज स्प्रेड ऑन। तो दोस्तों ये जो है पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की वजह से दिस इज द आस 2011 वैरायटी। आस के अंदर ये ख़ास तौर पर आप क्लियर कट सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू है। तो आस सल्फो सल्फ्यूरान के अगेंस्ट टेबल और ज़्यादा इसका जो है अटैक जो है वो सदमा जो है वो शॉक ले लेती है जिसकी वजह से इसकी टिप्स जो है ना वो येलोइश हो जाती हैं। तो दूसरी जो वैरायटी है उनमें गैलेक्सी है दैट इज़ लिटिल बिट वो जो है वो कम इसको लेती है, लेकिन जो मेजॉरिटी वैरायटी है आज 2011 हैं 2011 हैं ये ऐसी वैरायटियां हैं जिनके अंदर इस चीज़ का स्ट्रेस कुछ। तो दोस्तों ये जो पेस्टिसाइड आप सॉरी वीडिसाइड्स जो आप स्प्रे करते हैं आप कम से कम जो है ना वो इसको रिपीट करें। होता दरअसल क्या है, यू कैन सी इट दिस इज़ अनदर हेल्दी, दोनों के ऊपर स्प्रे हुआ है लेकिन यहाँ ये स्प्रे जो है ना वो
इसको अब्सॉर्ब कर लिया है, दैट इज नॉट ससेप्टेबल देन दिस वन, यही खाल के इस पर यही वैरायटी है, लेकिन वो इसको वैरायटी डिफरेंट है, सेम डेट के ऊपर स्प्रे हुआ लेकिन वो येलोश उसकी टिप हो गई है। अब दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम था कि येलोश कलर पैदा हुआ है पेस्टिसाइड स्पेशली द एप्लीकेशन सल्फोसल्फ्यूरान से। अब इसकी रेमिडिएशन क्या है दोस्तों, आप बर वक्त थोड़ी सी इसको खाद दें, फर्टिलाइजेशन इसकी करें, थोड़ी सी यूरिया आप और उसके अलावा पानी आप लगा दीजिएगा, तो यही जो येलोश कलर्स हैं लीव्स के ये दे विल टर्न इनटू ग्रीन एंड दे विल स्टार्ट टू सिंथेसाइज द फूड अगेन, सो दीज आर रिकवरेबल। तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें विद रिस्पेक्ट टू रात के मशवरा के साथ आप जो वैरायटी कास्ट कर रहे हैं उसकी पूरा प्रोटोकॉल उसके साथ, जब भी कोई वैरायटी रिकमेंड या अप्रूव एट पास आर सेवन टाइप ऑफ ट्रायल्स देन इट इज अप्रूव्ड बाय द रिसर्च अथॉरिटीज। तो 6-7 ट्रायलों के अंदर वहाँ और किसके खिलाफ ये वैरायटी रेजिस्ट ये ससेप्टिबल है, कितनी खाद क्रॉप देती है, कितनी खादों के ऊपर ये जो है वो एवरेज क्रॉप देती है, इसके ऊपर पेस्ट का स्टेटस क्या आता है, ये सारी की सारी मालूमात एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ दैट वैरायटी दीज आर एड्रेस्ड। सो कोशिश करें जब भी आप कोई वैरायटी लगाते हैं तो महकमा ज़राअत के मशवरा के साथ एप्लीकेशन करें और वीडिसाइड की एप्लीकेशन रिपीट ना करें। एक तरफ आप पूरी एक खेप लेके जाते हैं तो कोशिश करें उसी खेप के ऊपर दोबारा ना आए, क्योंकि वही बॉम्ब दोबारा उसके ऊपर स्प्रे होती है तो उससे जो स्ट्रेस में आ जाती है, तो फसल को स्ट्रेस में ना बल्कि पौधे को फलने फूलने का मौका दें, और जैसे ये पौधा फले फूलेगा तो इसका जो सिट्टा बनेगा उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे। अगर आप इसके सिट्टे को जो है वो आप स्ट्रेस देते रहेंगे तो सिट्टा ज़रूर बनेगा लेकिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स विल बी रिड्यूस्ड। और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ इसलिए कि यहाँ पे भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पैचेज ऐसे हैं, ये आप देख सकते हैं यही स्प्रे हुआ है यहाँ पर, और इस वक्त यहाँ की फसल को भी आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सेम पेस्टिसाइड ऑन डिफरेंट वराइटीज़। तो इसको आप दोस्तों ये जहन में रखिएगा, होपफुली आज आपको पता चल गया होगा कि सल्फोसल्फ्यूरान के जो है वो एप्लीकेशन से फील्ड के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, दैट इज़ वेरिएबल विद रेफरेंस टू द वराइटी चूजन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइज़र्स के इफ़ेक्ट या न्यूट्रिटिव इफ़ेक्ट्स के ऊपर जा रहा हूँ इंशाल्लाह वीडियो डिस्कस करेंगे। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों की मालूमात के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रोक लेती है आपकी निस्बात, तीर जितने भी हम पे अंकल मेरे पैसे पैसे, ओए कौन से पैसे हो? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल। ओए चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है, हमने तो छीनी है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। क्या सही नहीं कर रहे हैं, जाके अपने बाप को बुला। एक सहारा नाम मेरा बाप है, नाम मेरी लगाएगा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौला ना मोहम्मदिन।